मैं हूँ प्रकाश डिस्कवरी। क्या कहा जाना सर? तो भाई लोग अभी आ चुका हूँ लखनऊ के रिवर फ्रंट पे। नदी है ना, ये मेरे को डिसअपॉइंट कर रही है। तो रिवर फ्रंट घूमने के बाद बस इतना। धनेश्वर मिश्र पार्क। कहाँ जा रहे हो? ये दुनिया भी तो आखिर घूम ही रही है। कहते हैं कि जिंदगी का हर एक सफर एक नई सुबह के साथ में शुरू होता है। मैं हूँ प्रकाश डिस्कवरी और आज फिर से आप लोगों के साथ में लखनऊ की सड़कों पर। तो एंजॉय करना इस सफर को। तो अभी इस समय मैं विधानसभा चौराहे के पास में हूँ, गोमती नगर रिवर फ्रंट पार्क। लास्ट टाइम मैं गया था तो काफी अच्छा बन चुका था, बट अभी सुनने में आ रहा है कि और भी अच्छा वो हो चुका है। तो रिवर फ्रंट पार्क के साथ में हम लोग ज्ञानेश्वर मिश्र पार्क भी कवर कर रहे हैं। तो मिलते हैं फिर यार। मतलब खुद से बाइक ड्राइव करके किसी डेस्टिनेशन को अचीव करने का जो मजा है ना, वो मतलब वो ड्राइविंग, वो रास्ते, वो सारी चीजें। क्या कहा जाना सर? महानगर। वो ये बताओ। मैं बता नहीं पाऊंगा, मैं भी प्रयागराज से आया हूँ। तो जस्ट अभी मैं पहुंच चुका हूँ रिवर फ्रंट पे, जो कि आपका गोमती नदी के किनारे है। वाओ यार, और यहाँ पे बहुत मजा आने वाला है। यहाँ पे ऐसा कुछ खास तो है नहीं, बट हाँ यहाँ के ये जो स्ट्रक्चरल चीजें जो इन्होंने बना रखी हैं पत्थर की, वाओ यार ये बहुत शानदार है। और ये आप देख रहे हैं मेरे सामने भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति, जो कि रिवर फ्रंट पे है, सामाजिक परिवर्तन प्रतीक स्थल। तो भाई लोग अभी थोड़ा चलते हैं, अपनी बाइक वगैरह पार्क करते हैं, फिर एक्सप्लोर करते हैं इस पार्क को। ओके यहीं पे पार्किंग। दे दीजिए, चलो। एंट्री किधर है? एंट्री इधर है। तो भाई लोग अभी आ चुका हूँ लखनऊ के रिवर फ्रंट पे, और आइए चलते हैं। पहले सबसे पहले टिकट खरीदते हैं, फिर आपको घुमाऊंगा पूरा पार्क। तो भाई मैंने खरीद ली है टिकट, और जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि ये टिकट जो है 10 रुपीज का है फॉर वन पर्सन। रिवर फ्रंट पार्क के अंदर मैं एंट्री कर चुका हूं, और मेरे साथ में है ऋषि, जो कि मेरी दूसरी कजन है, मेरी बुआ की लड़की। और ये भी आई मेरे साथ में कि भैया अब चलूंगी आपके साथ में, ब्लॉग में आएगी ये भी। और आप जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि यार बहुत ही ज्यादा खूबसूरत पार्क है यार, बहुत ही मस्त। यहाँ की ये सारी सराउंडिंग्स, ये सारी चीजें यार बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और आप मेरे लेफ्ट हैंड पे है गोमती नदी, जो कि काफी गंदी है। मतलब जिस तरह से ये पार्क बना हुआ है ना, इतनी खूबसूरती के साथ में, बट यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो भी काफी अच्छा है, लेकिन यार ये जो नदी है ना, ये मेरे को डिसअपॉइंट कर रही है यार। बहुत ही ज्यादा इसमें गंदगी, मतलब इसका पूरा पानी ब्लैक हो चुका है बिल्कुल। तो दोस्तों रिवर फ्रंट घूमने के बाद बस इतना ही कहूंगा कि यार ये पार्क बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि यार गोमती नदी के किनारे पे है, और यहाँ पे शाम की जो लाइटिंग्स होती हैं
वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है, तो आप दिन में भी आ सकते हो। बट हाँ, एक चीज कहूंगा कि आप अवॉइड कर सकते हो गर्मियों का महीना, बिकॉज ऑफ यहाँ पे कोई बड़े पेड़ नहीं है, तो आपको छाया तो बहुत रेयर कैसे मिलने वाली है। बट यहाँ पे ये जो बने हुए हैं, यहाँ पे आप रुक करके बैठ सकते हो, फोटोज वगैरह खिंचा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं यार। फिर मैंने और विशी ने इस जगह की खूबसूरती और धूप को बाय बाय बोला और निकल गए अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ। रिवर फ्रंट पार्क से जब आप 2.5 या हो सकता है कि 3.5 किलोमीटर आप आगे बढ़ोगे, तब आपको मिलेगा जनेश्वर मिश्र पार्क। भाई यार, पार्क का गेट ही बहुत खूबसूरत था, मैं तो यार उसे देखता ही रह गया। और उसके बाद में फिर हम लोग बढ़े टिकट काउंटर्स की तरफ, और मैं दो लोग थे साथ में, तो हम लोग ने दो टिकट्स खरीद दे 10 रुपीज पर पर्सन, जैसा कि आपका रिवर फ्रंट में भी था। और अब चलते हैं अंदर। तो भाई लोग, जस्ट अभी पहुंच चुका हूं जानेश्वर मिश्र पार्क पे, और यार टिकट वगैरह भी ले लिए हैं। यहाँ पे पार्किंग का चार्ज है तकरीबन 15 रुपीज, और कार का, भाई कार तो लेके आया नहीं, मैं बाइक लेके आया हूँ, तो बाइक का मेरे को पता है। और चलते हैं फिर अंदर और एक्सप्लोर करते हैं पूरे पार्क। और यार बाहर से बहुत अच्छा सीन दिख रहा है, जस्ट लाइक एज अ लेक दिख रही है मेरे को अंदर। सो चलते हैं अंदर। मेरी चाबियां कहाँ गई यार? पहले दिखाता हूँ आपको एक लेक। ये लेक है क्या, तालाब? तब उस झील के पास जाने से पहले मेरी नजर इस मैप पर पड़ी, और काफी इंटरेस्टिंग होता है मैप देखना। जरा जूम करना। फिर ये हर रास्ते मुझे अपनी तरफ ही खींच रहे थे, बट मैंने डिसाइड किया चलो चलते हैं झील। वाह यार वाह। तो यार जानेश्वर मिश्रा पार्क घूम करके बहुत मजा आ रहा है, और ये जो मेरे बगल में जो लेक है यार, यहाँ पे पता इतनी बड़ी बड़ी सी कैटफिश है। और ऐसी फिशेस हैं जो कि मैंने लास्ट टाइम देखी थी कहाँ पे, अमृतसर में, ठीक है। और तो अभी पार्क में आगे क्या है क्या नहीं मैं आपको दिखाऊंगा। इतनी सारी शांति, इतने सारे पेड़ पौधे, इतनी सारी यार, बहुत बढ़िया है, लाजवाब है। कहाँ जा रहे हो? घूम रहे हैं। हाँ सच्ची कहा, ये दुनिया भी तो आखिर घूम ही रही है। फिर घूमते घूमते हम लोग पहुंच गए भीमराव अम्बेडकर जी के स्टैचू के पास में। Look at the place, man. What a place. Wow, यार मैं तो यार घूमते घूमते थक गया यार। ये पार्क इतना ही ज्यादा बड़ा है। What a place. भाई लोग, मतलब पूरा पार्क तो यार एक्सप्लोर नहीं कर पाया, बट जितनी भी मेन मेन चीजें थी वो मैंने पूरी की पूरी दिखाने की कोशिश की है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से ये प्लेन उड़ा जा रहा है, उड़ रहा है लेकिन उड़ नहीं पा रहा है। बट हाँ ये एक्चुअल प्लेन है, और अभी इसको लगा रखा है, ये रिटायर्ड हो चुका है, ठीक है। तो विशी, मेरे साथ में कैसा लगा तुम्हें? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो ये वीडियो का वेट कर रही हो जल्दी से? बिल्कुल। तो ये है मेरी कजन, आज मेरे जितने भी सिनेमैटिक्स थे या जो भी चीजें थी यार, इसने पूरी छूट की है। तो फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन अगली जगह कहाँ? जहाँ भी बताओ, इतनी सारी जगह। भूल भुलैया? हाँ। इमाम बाड़ा? हाँ, सबसे बढ़िया। कौन सा बाड़ा? इमाम बाड़ा। ओके, तो अभी इस ब्लॉग को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, और चलता हूँ अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि है छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा, यानी कि आपकी भूल भुलैया। सो बहुत इंटरेस्टिंग सा है, और वहाँ पे तो लोग कहते हैं कि यार मतलब वो भूल भुलैया टाइप की, मतलब यार जाहिर बात है वहाँ पे अंदर भूल ही जाना है फिर, और वहाँ पे गाइड्स वगैरह होते हैं। चलो फिर वहाँ पे चल के देखते हैं क्या होना है क्या नहीं। और अभी हो गई है यहाँ पे शाम, सो अभी आज का शूट मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, और बने रहिए, स्टे वाइल्ड एंड बी घुमक्कड़। बाय बाय।